दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और जब वो एक पुल बैक करती है, वो एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है, यानी कि एक करेक्शन है या फिर रियल सेल ऑफ है। देखिए, जब भी प्राइस ऊपर जाती है वो कभी इस तरीके से नहीं जाती। प्राइस देखो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पुल बैक हो रहा है, ये जो करेक्शन हो रहा है, ये एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है, एक नॉर्मल सा करेक्शन है, या फिर ये रियल सेल ऑफ है और यहाँ से प्राइस रिवर्स करके नीचे की तरफ आ सकती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये एक पुल बैक है या फिर ये एक रियल सेल ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर जब भी इस तरीके से पुल बैक होता है तो लोग यहाँ पर सेल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेंड चेंज हो गया और अब ये यहाँ से इस तरीके से नीचे आ जाएगा, पर ये एक पुल बैक लेके कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो आज हम डिटेल में यही समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे पुल बैक करती है, वहां पर रियल सेलिंग आ रही है या फिर ये एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसे समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पुल बैक क्या होता है और रियल सेल ऑफ क्या होता है। इन दो चीजों को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद रियल चार्ट में जाके समझेंगे। देखिए, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ इस तरीके से जाती है तो वो इस तरीके से एक करेक्शन करती है, जिसे कि पुल बैक कहा जाता है। अब ये पुल बैक क्यों होता है वो जानना आपके लिए जरूरी है। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से सब लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ से बाइंग होगी तभी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। आप अपने आप को रख के देख लीजिए कि यहाँ पर आपने बाइंग की है, फिर ये प्राइस यहाँ तक आ चुकी है, अब ये प्राइस इस लेवल तक आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने 100 रुपए की कीमत पर इस स्टॉक को बाय किया है, तब इसकी प्राइस चल रही थी 100 रुपए, अब इस लेवल पर इसके हो चुके हैं 110 रुपए। आप बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुके हो। अब आपको यहाँ पर 10 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है तो आपके मन में एक छोटा सा डर आएगा कि मुझे यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, प्राइस ऑलरेडी बहुत ही ऊपर आ चुकी है, अब ये यहाँ से रिवर्स करके नीचे की तरफ आ गई तो इस लेवल पर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचोगे। शायद आप हाफ क्वांटिटी को बुक कर दो, शायद आप फुल क्वांटिटी को बुक कर दो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से आप कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वांटिटी को बुक करोगे। तो आपने यहाँ पर बाय किया था, अब प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर सेल करना होगा। आप सेल करोगे, सेलिंग होगी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ से जैसे ही आप सेल करोगे प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी। मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर 108 रुपए तक नीचे की तरफ आएगी। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर बाय किया था, आपकी तरह लाखों और लोगों ने भी यहाँ पर बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पर किया होगा, किसी ने यहाँ पर किया होगा, किसी ने यहाँ पर किया होगा, सब लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है और सब लोगों की साइकोलॉजी यही कह रही है कि प्राइस बहुत ही ऊपर आ चुका है, अब ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है। इसी साइकोलॉजी की वजह से लोग वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन्हें सेल करना होगा, वो सेल करेंगे यानी कि प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी। अब क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग है तो यहाँ पर जब प्राइस नीचे आएगी, ये बहुत ही ज्यादा इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ तक नहीं आ जाएगी, ये एक लेवल पर अटक जाएगी और इस लेवल से कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड करके ये फिर से ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग और ये हुआ एक नॉर्मल सा पुल बैक, यानी कि एक नॉर्मल सा करेक्शन। अब देखिए, आपने तो यहाँ पर बाय कर लिया था, आपने इस ट्रेड को ले लिया था, इस लेवल पर आपको कुछ प्रॉफिट भी हो चुका था, पर काफी सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ पर बाय नहीं कर पाए थे, जो लेट हो गए थे, जिनका ट्रेड मिस हो गया था। तो इस लेवल पर 110 पर देखने के बाद वो लोग सोच रहे थे कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए, मुझे मौका मिले, मैं फिर से इस ट्रेड में एंटर कर जाऊं। और आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, स्टॉक नीचे आया तो इस लेवल पर काफी सारे लोग नई बाइंग पोजीशन ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे यानी कि उन्हें बाय करना होगा, वो बाय करेंगे तो यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाएगी और जहां से आपने सेलिंग की थी वो बन चुका था लास्ट स्विंग हाई, यानी कि एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये लेवल जब निकलेगा तो यहाँ पर और बाइंग आएगी, स्टॉक और ऊपर की तरफ मूवमेंट कर इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से ये पुल बैक होते ही रहेंगे। और फिर से अगेन से यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ क्यों जा रही है वो भी पता चल गया है, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर अगेन से बाइंग करेंगे। हो सकता है आप खुद भी यहाँ से फिर से बाइंग करने लगो, आपने यहाँ पर अपनी 100% प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, फिर ये लेवल निकला तो हो सकता है फिर से आप एंटर करो एक छोटे से एसएल के साथ कि ये फिर से कंटिन्यू ऊपर की तरफ कर रहा है। इस साइकोलॉजी की वजह से प्राइस देखो हमेशा देखो इस तरीके से ऊपर नीचे करके मूवमेंट करती है और ये पुल बैक आते हैं। पर हमारा आज का मेन सवाल यही है कि ये पुल बैक है या फिर यहाँ से स्टॉक की प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाएगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो, ये पुल बैक क्या होते हैं, करेक्शन क्या होते हैं, ये हमें पता चल गया है। अब हमारा दूसरा सवाल कि ये सेल ऑफ क्या होता है,
तो सेल ऑफ का मतलब देखो ये कि प्राइस देखो कुछ इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना के बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ पर क्या था, एक इसने पुल बैक लिया फिर से ऊपर की तरफ चली गई, पर यहाँ पर क्या हुआ, ये पुल बैक लिया पर उसके साथ ऊपर नहीं गई, थोड़ा ऊपर जाके लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ ही जाने लगी। तो इसे कहते हैं रियल सेल ऑफ, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हो रही है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। और ये जो हमने पहले समझा इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो अब अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर यहाँ पर रियल सेलिंग हो रही है, तो आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि आपको अंदाजा है कि यहाँ पर नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आप अपना ट्रेड भी होल्ड कर सकते हो और नई पोजीशन भी बना सकते हो। और अगर आपको ये पता चल जाए कि रियल सेलिंग आ रही है, अब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो आप अगर उस ट्रेड में हो तो वहां पर एग्जिट करके निकल सकते हो या शॉर्ट सेलिंग में अपनी न्यू पोजीशन बना सकते हो। अब देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से प्राइस देखो ऊपर की तरफ गई, तो अब देखो जब ये इस तरीके से नीचे आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक पुल बैक है या फिर यहाँ से रियल सेल ऑफ आ रहा है, यानी कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो उसके मेनली देखो दो तरीके हैं, एक हम कैंडलस्टिक को देखकर पता कर सकते हैं और दूसरा हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सेल ऑफ है या फिर ये पुल बैक है। पर कैंडलस्टिक की कंपेयर में मार्केट स्ट्रक्चर आपको और अच्छे से समझाएगा, इन दोनों चीजों को अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे। पर कैंडलस्टिक की कंपेयर में मार्केट स्ट्रक्चर आपको और अच्छे से बता पाएगा कि यहाँ पर पुल बैक है या फिर सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पर समझना, देखो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ से रिवर्स की है, यानी कि ये बन गया इसका लास्ट स्विंग लो, फिर ये अगेन ऊपर गई, यहाँ से रिवर्स की, ये बन गया इसका लास्ट स्विंग लो। तो जब ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आती है, तो एक तो देखो ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर की तरफ गई फिर यहाँ से पुल करके नीचे आई, यानी कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। अब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर टूट गया, तो अब अगली बार जब प्राइस नीचे आएगी तो ये सेम लेवल जो रेजिस्टेंस था उसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए ये वीडियो समझने के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो पता होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है वो पता होना चाहिए, प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी इस वीडियो को आप और अच्छे से समझ पाओगे। अगर ये सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर नहीं है तो इन सारी चीजों को क्लियर जरूर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहां से सपोर्ट लेके प्राइस फिर से इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर प्राइस यहां पर सपोर्ट ले लेती है तो आप मान लीजिए कि ये एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है, अभी यहां पर सेल ऑफ नहीं आया है, फिर यहां पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो यहां पर बाय करके आप चल सकते हैं, या फिर सेफ प्ले करना है तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। पर काफी सारे केस में क्या होगा, प्राइस इस लेवल को भी तोड़ देगी, पर यहाँ पर भी हम नहीं मान सकते कि ये रियल सेल ऑफ है, क्योंकि हमें देखना होता है लास्ट स्विंग लो। तो लास्ट स्विंग लो देखो इस लेवल पर है, यहाँ पर जहां से प्राइस फिर से रिवर्स करके ऊपर गई थी, तो अगेन से ये नीचे की तरफ आ रही है। अगर इस लेवल पर ये सपोर्ट नहीं ले रही, इस लेवल को ब्रेक करती है, फिर आखिरी चांस है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेगी। अगर यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है, कोई बुलिश पैटर्न बनाती है, तो यहाँ से फिर से इसके चांस है कि ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। पर अगर ये इस लेवल को देखो इस तरीके से तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, तो आप मान लीजिए कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ से अब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और वो प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको देखना है लास्ट स्विंग लो, जहाँ से रिवर्स करके प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, तो इस लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ गई है, तो इस लेवल को प्राइस तोड़ देगी, मतलब कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका। तो अब आप इसे प्रॉफिट बुकिंग मत मानिए, अब आप इसे रियल सेल ऑफ मानिए। आप ये समझिए कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हो रही है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, पर इस लेवल तक चांस है कि यहां से प्राइस रिवर्स करके फिर से ऊपर की तरफ चली जाएगी, यहां पर सेल ऑफ नहीं आ रहा। अब प्राइस यहाँ पर नीचे आती है, इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है, यहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। पर लोग अग्रेसिवली कब शॉर्ट करेंगे, जब ये लेवल ब्रेक होगा। ये लेवल कौन सा, जहां पर मार्केट ने लास्ट स्विंग बनाया था, वो लेवल ब्रेक होगा तब जाके यहाँ पर रियल सेल आएगा। मैंने कहा था कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, तो यही है मार्केट स्ट्रक्चर। एंड दूसरी बात मैंने कही थी कि हम कैंडलस्टिक को भी देख सकते हैं, तो देखो जब भी इस लेवल पर यहाँ पर कैंडल्स आएगी तो वो रेड कैंडल होगी, मार्केट नीचे आएगा, वो रेड कैंडल बना के नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल सी रेड कैंडल आ रही है, मतलब कि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं आ रही, नॉर्मल सी देखो यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल आ रही जिसमें बहुत ही छोटी सी बॉडी है, नीचे से वीक रिजेक्शन है, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जब जब देखो पुल बैक होगा तो पुल बैक में जो रेड कैंडल आएगी, रेड कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, नॉर्मल सी होगी,
वो विक रेड कैंडल्स होगी। वो सारी चीजें हम आगे रियल चार्ट में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दो बातें समझ ही लीजिए, एक तो लास्ट स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, और जब भी मार्केट करेक्शन करेगी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं आएगी। जैसे ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आने लगती है आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सेल ऑफ आना शुरू हो चुका है, और जब भी लास्ट स्विंग लो टूटता है तब तो सेल ऑफ आ ही चुका। अब हम इस बात को रियल चार्ट में देखते हैं, कुछ स्टॉक में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर देखिए प्राइस हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के देखो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पर एक बात अब आप नोटिस करना कि जब भी प्राइस देखो ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पर आप ग्रीन कैंडल को देखिए, ग्रीन कैंडल किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। देखो ये सारी ग्रीन कैंडल को आप पहले देखिए कि प्राइस जब भी ऊपर जाती थी तो ग्रीन कैंडल किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनती थी। हर एक फ्लो में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, लोगों का व्यू है कि वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाए। तो सबसे पहले तो जब भी आप प्राइस को देखो ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, आपको कैंडल्स को देखना है कि कैंडल्स किस तरीके से बन रही है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वहां पर आपकी ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रही हो, रेड कैंडल उसकी कंपेयर में वीक बन रही है, तो आप समझ लीजिए कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब आपने यहाँ पर ग्रीन कैंडल को देख लिया, अब आप देखना रेड कैंडल को। देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल को देखो ये किस तरीके से, यहाँ पर ये पुल बैक हुआ रेड कैंडल को देखो, यहाँ पर ये रेड कैंडल को देखो, यहाँ पर ये एक कैंडल है जो कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, उसके अलावा देखो इन कैंडल को, यहाँ पर इन रेड कैंडल को देखो, यहाँ पर इन रेड कैंडल को देखो। ग्रीन कैंडल की कंपेयर में रेड कैंडल में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो ग्रीन कैंडल की कंपेयर में वीक है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल की कंपेयर में रेड कैंडल वीक है, यानी कि ग्रीन कैंडल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है, आप इस तरीके से मान सकते हो। जब भी देखो रियल सेल ऑफ आएगा तो वहां पर रेड कैंडल होगी, वो स्ट्रॉन्ग बनने लगेगी। यहां पर देखो रियल सेल ऑफ आने लगा है, तो यहां पर अब आप देखो रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनने लगी, ग्रीन कैंडल उसकी कंपेयर में वीक बनने लगी, क्योंकि यहां पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं तो रेड कैंडल एक्टिव हो चुकी है, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी और ग्रीन कैंडल वहां पर रेड कैंडल की कंपेयर में बिल्कुल ही वीक बनेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, जब तक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी आप समझ लीजिए कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी, आप समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा और ऊपर की तरफ जाते वक्त अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आने लगती है तो वहां से आप समझ लीजिए कि सेल ऑफ आ सकता है, आपको अलर्ट हो जाना है। नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, रेड कैंडल की कंपेयर में अब ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनने लगती है, तो आप समझ लीजिए यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये चीजें आपको कब पता चलेगी, जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप लाइव मार्केट में चार्ट देखोगे, ज्यादा से ज्यादा आप पुराने चार्ट में जाके प्रैक्टिस करोगे, तब ये चीज आपको दिखनी शुरू होगी। अब तक भले ही ये चीजें आपको ना दिख रही हो पर अब से ये चीजें आपको दिखनी शुरू होगी और इन चीजों को आप कब पहचान पाओगे, प्रैक्टिस के साथ। देखो कोई भी चीज पर अगर आपको मास्टरी करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके आ सकती है। इस तरीके से वीडियो देख के कुछ नहीं हो सकता, हजारों वीडियो देख लो, मैं यहां पर आपको हजारों चार्ट दिखा दूं, कुछ नहीं हो सकता जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको अब इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है तो आप भी इन सारी चीजों को पहचान सकोगे। तो यहां पर हमने बात की कैंडलस्टिक पैटर्न की कि कैंडल से कैसे हमें पता चल सकता है कि नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर यहां पर सेल ऑफ है। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि कैंडलस्टिक से भी अच्छा काम करता है मार्केट स्ट्रक्चर, तो उस बात को समझते हैं। देखो ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां से ये नीचे की तरफ आई तो कैंडल्स ने तो हमें सिग्नल दे दिया कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। फिर देखो इसने एक पुल बैक लिया और फिर इस लेवल को तोड़ा, तो जब ये पुल बैक करके इस लेवल को तोड़ती है जहां से ये फिर से ऊपर गई थी, इस लेवल को इसने तोड़ा, लास्ट स्विंग लो को तोड़ा। देखो जैसे कि यहां पर भी ये लास्ट स्विंग लो है इसका, ये पूरा का पूरा ये सपोर्ट जोन है क्योंकि प्राइस यहां पर पुल करके ऊपर की तरफ गई थी। तो जब ये लेवल यहां पर टूटता है तो आप समझ लीजिए कि रियल सेल ऑफ आ चुका है, क्योंकि यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल चुका है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब तक यहां पर क्या था, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा था, पर अब देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर इसने लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना दिया। देखो इस हाई के नीचे ये हाई है, इस लो के नीचे ये लो है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगा यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब कि हायर हाई हायर लो से लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर जब बनने लगता है तब आप समझ लीजिए कि रियल सेलिंग आने लगी है। काफी किस्सों में ऐसा होगा कि यहां पर कैंडल्स ने तो आपको बता दिया कि यहां पर सेलिंग आ रही है,
पर प्राइस फिर से यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो कैंडल्स से आपको 100% कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। पर जब भी आपका मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने लगेगा, वहां पर हायर चांस है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और वहां से प्राइस नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इन दो चीजों को आपको मास्टर करना है, एक तो प्राइस जब ऊपर जाती है कैंडल्स को देखना है, फिर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है। अब देखो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही, तो ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की तरफ चली गई। फिर से जब प्राइस नीचे आएगी तो सेम लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर देखो इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, फिर ये नीचे की तरफ आने। तो मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल के टूटने पर भी हमें एक यहाँ पर अंदाजा मिल सकता है कि रियल सेल आ चुका है। पर फिर से देखो यहाँ से ये ट्रैप करके ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका लास्ट स्विंग लो था। फिर ये ऊपर गई पर ऊपर की तरफ नहीं जा पाई, क्योंकि कैंडल्स ने यहाँ पर हमें सिग्नल दिया था, कैंडल से सेलिंग आने लगी थी। फिर देखो ये ऊपर की तरफ गई, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे की तरफ आई, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ आई, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और लास्ट स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया। फिर से देखो इस तरीके से ये नीचे आने लगी। तो इस लेवल पर आपको 100% कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रैप करके इस तरीके से जा ही नहीं सकती, जा सकती है, सब कुछ होता है मार्केट में। पर हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन के ऊपर से पता चलता है कि यहाँ से सेल ऑफ आने लगा है, तो यहाँ पर हमें बाइंग तो नहीं करनी है। फिर देखो प्राइस नीचे की तरफ इस तरीके से गई। इसी चार्ट में देखिए, देखो यहाँ पर जब डाउन ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर आप रेड कैंडल को देखिए किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जब सेलिंग आने लगी तो रेड कैंडल किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने लगी। तो यहाँ पर आप देखो रेड कैंडल किस तरीके से, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन गई है। और ग्रीन कैंडल को देखो रेड कैंडल की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, देखो यहाँ पर पूरी की पूरी इंगल्फिंग कैंडल आई थी, उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर आया। पर एक चीज को नोटिस करना, मैंने आपसे कहा था सिर्फ कैंडल के भरोसे नहीं जाना है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। कैंडल तो यहां पर आई है, देखो यहां पर आप इसे इंगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हो, तीनों कैंडल को देखोगे तो मॉर्निंग स्टार कैंडल भी बन रही है। पर फिर देखो मार्केट देखो यहां से ऊपर की तरफ गया, पुल बैक लेके फिर इस तरीके से ये नहीं हुआ। इस तरीके से अगर इसने स्ट्रक्चर बना दिया होता तो यहीं से ट्रेंड रिवर्स हो जाता, पर यहां से ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, फिर से देखो यहां से सेल ऑफ आने लगा। यानी कि सिर्फ अगर कैंडल के भरोसे जाओगे तो आप बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाओगे, यहां पर आप छोटा सा ट्रेड कर सकते हो। पर अगर सिर्फ कैंडल के भरोसे गए, आपने होल्ड किया, तो यहां पर आप ट्रैप हो सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना। फिर यहां पर देखो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, फिर यहां पर कंसोलिडेट हुआ, फिर अब देखो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई, तो यहां से आप मान सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। पर स्ट्रॉन्ग कैंडल तो देखो यहां पर भी आई थी, पर यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बना था। पर यहां पर आप देखो यहां पर इसने ये पुल बैक किया, फिर यहां पर इसने स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया। तो यहां पर जब ये लेवल निकलता है, इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो इस लेवल पर आप बाइंग करके चल सकते हो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ, क्योंकि यहां पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहां पर देखो जब भी आपको ये एंड पैटर्न दिखती है, देखो इसे एंड पैटर्न कहते हैं, जब भी आपको यहां पर रिवर्स होते वक्त ये एंड पैटर्न दिखती है, एंड का ब्रेकआउट होता है, आप मान लीजिए कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि रियल सेल ऑफ आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, या फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब देखिए ये बीकाजी का स्टॉक है, यहां पर देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां पर इसने एक कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद इसने फिर से कंटिन्यू किया। तो यहां पर सबसे पहले तो कैंडल्स को नोटिस करो कि जब भी मार्केट देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां पर जो ग्रीन कैंडल थी वो देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही थी रेड कैंडल की कंपेयर में। यहां पर भी देखो मार्केट ने सेल ऑफ करने की कोशिश की, पर यहां पर फिर से मैं आपको वही बात कहूंगा कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देखो, सिर्फ और सिर्फ कैंडल के भरोसे आप पूरा डिसीजन नहीं ले सकते। अगर यहां से फिर से पुल करके इसने इस तरीके से तोड़ दिया होता तो मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता। यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको देखना है उल्टा एन। अगर आप बॉटम से मार्केट को देख रहे हो तो आपको यहां पर सीधा एन देखना है कि यहां से इस तरीके से ट्रेंड चेंज हो गया। अगर टॉप से देख रहे हो कि मार्केट रिवर्स हो रहा है तो यहां पर आप इस तरीके से उल्टा एन देख सकते हो कि यहां पर इसका ब्रेकडाउन हो तो मार्केट यहां से नीचे की तरफ चेंज हो चुका। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल तो आई थी, पर यहाँ पर देखो मार्केट चेंज नहीं हुआ था, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं करंट सिचुएशन की, करंट सिचुएशन क्या है। देखो मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया था, तो एक लास्ट होप यहाँ थी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, पर मार्केट ने इस लेवल को भी तोड़ दिया। और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ रही है ग्रीन कैंडल की कंपेयर में। और उसके अलावा अगर आपको चार्ट पैटर्न आती है तो यहाँ पर देखो इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, जिसे कि कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। ये रही इसकी नेक लाइन, फिर यहाँ पर इसने एक पुल बैक किया, फिर से इस तरीके से नीचे की तरफ आने लगा।
एक चांस यहाँ था कि यहाँ से ये रिवर्स कर जाए, यहाँ से इसने रिवर्स नहीं किया, अब आखिरी होप ये है कि ये यहाँ से रिवर्स कर जाए। अब देखो फिर से ये इस तरीके से पुल बैक कर रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस लेवल पर ये पूरा का पूरा इसका सपोर्ट जोन है, अगर इसे सपोर्ट लेना होगा यहाँ पर कोई बुलिश ग्रीन कैंडल बनाएगा, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, और यहाँ पर अगर देखो ये एंड पैटर्न बनाता है इस तरीके से निकलता है तो फिर से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया एक अच्छी सी रेड कैंडल के साथ तो फिर से ये और डाउन ट्रेंड में आ सकता है, पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट ने काफी सारा समय टाइम बिताया था, तो इस लेवल से ये फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, देखो जब इसने एम पैटर्न बनाई थी तो ये बन चुका था इसका एक लास्ट स्विंग लो, तो जब ये लेवल टूटता है तभी आपको समझ जाना है कब यहाँ से सेल ऑफ आने लगा है, फिर आपको देखना है कि क्या ये इस लेवल पर ये सपोर्ट लेता है या फिर इस लेवल पर सपोर्ट लेता है। अब इस स्टॉक में देखिए यहाँ पर कैंडल्स तो आपको दिख ही रही है कि ग्रीन कैंडल किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, पर जब भी देखो ये नीचे की तरफ आ रहा था यहाँ पर ये जो रेड कैंडल थी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो इस लेवल तक यहाँ पर हम नहीं मान सकते कि यहाँ पर सेलिंग आने लगी है, यानी कि शॉर्ट सेलिंग होने लगी है, यहाँ पर एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही थी। पर फिर जब इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की तो इसे देखो इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, पर ये इस लेवल पर नहीं आ पाया या नहीं निकलने लगा। फिर जब ये नीचे की तरफ देखो इस तरीके से आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप समझ लीजिए कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी आई है, पर फिर से देखो यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब इसका जो लास्ट सपोर्ट है देखो ये यहाँ पर है, इस लेवल पर ये सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल को इसने तोड़ दिया मतलब कि एक पुल बैक लेके इसने प्राइस को नीचे की तरफ तोड़ दिया है, तो यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है और यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी दिख रही है। फिर देखो ये यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, फिर ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, पर इस लेवल पर भी अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दोगे तो यहाँ पर आप देखो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो इस लेवल से भी ये ऊपर की तरफ इस तरीके से फिर से जा सकता है। और पहला जो टारगेट हमें मिल सकता है वो देखो इस लेवल का मिल सकता है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आई थी, तो यहां पर आपको समझना सिर्फ इतना ही है कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगी इस तरीके से, देखो यहाँ पर इस तरीके से ये लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर देगी या फिर वो यहाँ से ऊपर गई है और सीधा नीचे आती है और ये लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर देती है तो आप समझ लीजिए कि रियल सेलिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर सनफार्मा के स्टॉक में देखिए, देखो ये अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया है, तो पहले तो कैंडल्स को देखिए कि कैंडल्स किस तरीके से बन रही है। यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो ये एक ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल के अंदर सेलर्स के चार या पांच रेड कैंडल है, मतलब कि आपको बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अब इस लेवल पर हमें कैसे पता चलेगा कि रियल सेल ऑफ आने वाला है या फिर ये नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है, तो यहाँ पर अभी तक हम इसे प्रॉफिट बुकिंग ही मानेंगे। देखो यहाँ पर ये जो इसका सपोर्ट है इसी लेवल से प्राइस सपोर्ट ले रही है, तो अब तक ये नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग ही है, पर मान लेते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस इस तरीके से पुल बैक करके इस सपोर्ट को तोड़ देती है या फिर प्राइस नीचे आके देखो यहां से सीधा सपोर्ट को तोड़ती है और फिर इस तरीके से ऊपर एक रिटेस्ट करके उल्टा एन बनाती है, फिर इस लेवल को तोड़ देती है, तो यहाँ पर रियल सेलिंग आ चुकी है। पर अभी भी यहाँ पर चांस है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ देखो चला जाएगा, क्योंकि अगर इस लेवल पर इसने सपोर्ट ले लिया तो ये स्टॉक इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है, पर अगर एक पुल बैक करके आया या फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर रियल सेलिंग आ चुकी है। और जब ये इस तरीके से नीचे आएगा या फिर इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो आप रेड कैंडल को नोटिस करना, वो रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो इस तरीके की देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके की रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आती है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी साथ में बनता है तो वहां पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, पर अभी तक आप इसे बिल्कुल भी मत मानना कि यहाँ पर सेल ऑफ आ चुका है, यहाँ पर एक नॉर्मल सा करेक्शन ही समझिए। इस लेवल पर जब ये दो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई फिर अगर देखो प्राइस ने देखो इस तरीके से ऊपर जाके इसे ब्रेक कर दिया होता, लास्ट स्विंग लो तोड़ दिया होता, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती थी, पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। सो होप सो दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा कि आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एकदम बिल्कुल ही शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, एक तो आपको देखो कैंडल्स को देखना है, उन चीजों को आपको प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा, और दूसरी बात ये कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के जब अपने लास्ट स्विंग लो को तोड़ देता है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया था, तो इस लेवल पर आपको समझ लेना है कि यहाँ से रियल सेल ऑफ आ रहा है। इस लेवल तक प्राइस आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। और दूसरा आपको कैंडल्स को देखना है कि कैंडल्स किस तरीके से बन रही है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। एंड सेम आपको देखो डाउन ट्रेंड में भी इस तरीके से देखना है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई है
फिर अगर इससे लेवल को ये क्रॉस कर देती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो आप मान लीजिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, इस लेवल से चांस है कि यहाँ से फिर से सेलिंग आ जाएगी। अगर ये लेवल टूट जाता है, प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाती है, तो वहां से फिर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए, चार्ट पैटर्न आनी चाहिए और कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है एंड पैटर्न पर। जैसे कि देखो यहाँ पर इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर देखो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर पुल करती है, फिर इस तरीके से ऊपर जाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है। तो इस लेवल पर देखो आपको एंड पैटर्न दिख जाएगी। एन पैटर्न बन गई, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगी, आप मान लीजिए ट्रेंड चेंज हो चुका है। और सेम आपको देखो अप ट्रेंड में भी देखना है, अप ट्रेंड में आपको उल्टा एन देखना है। देखो प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आई, फिर एक पुल बैक किया, फिर नीचे की तरफ इस तरीके से आ गई। तो जब भी यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होगा, प्राइस नीचे सस्टेन करे, यहाँ पर आपको एक उल्टा एन दिख जाएगा। वहां से आप मान लीजिए कि यहाँ से रियल सेल ऑफ आने वाला है। और दूसरा आपको देखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बन गई है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कभी कुछ नहीं होता। अगर आप सच में सीखने के लिए सीरियस हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इन सारी चीजों को समझिए और सीखिए और अपने हिसाब से अपने रूल बना के ट्रेडिंग कीजिए। कोई किसी टेलीग्राम की कॉल टिप्स पर नहीं, या किसी से पूछ कर नहीं, या फिर न्यूज को देख कर नहीं, अपने हिसाब से अपने रूल बनाइए, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बनाइए, अपने हिसाब से खुद ट्रेडिंग कीजिए।